क्या आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं? अगर आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं और आप इस दुविधा में हैं कि आप अपने इम्प्लांट सर्जन को या इम्प्लांट क्लिनिक को कैसे चुनें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि आप अपने इम्प्लांट डॉक्टर को या इम्प्लांट डेंटल क्लिनिक को कैसे चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि मुझे अपने किस डेंटिस्ट से इम्प्लांट कराना चाहिए, मुझे अपने डेंटल क्लिनिक को कैसे इम्प्लांट चुनना चाहिए जहाँ पे मैं अपना इम्प्लांट सेफली और अच्छे से करा सकूँ। तो उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है जो डेंटल क्लिनिक आप चुन रहे हैं वहाँ पे जो डेंटिस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको सबसे पहले वहाँ जाके इंक्वायर करना होगा कि आपके जो डेंटिस्ट या इम्प्लांट सर्जन है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो MDS हैं, उन्होंने कौन कौन सी फेलोशिप्स ली हुई हैं, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपको वो क्लिनिक को चुनना है कि नहीं चुनना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस क्या कितना है। आपको ऐसे डेंटिस्ट को या ऐसे डेंटल क्लिनिक को चुनना चाहिए जो सालों से डेंटल इम्प्लांट्स कर रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों और हजारों इम्प्लांट्स किए हुए हैं। तो क्योंकि एक्सपीरियंस इम्प्लांट सर्जन जो आपको एक रिजल्ट दे सकता है वो इन एक्सपीरियंस या जिसने कम इम्प्लांट किए हुए हैं वो इम्प्लांट का रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको जो देखना है, क्या जो डेंटिस्ट है वो आपको रेफरेंसेस दे सकता है कि उनके जो प्रीवियस पेशेंट्स हैं जिनके उन्होंने डेंटल इम्प्लांट्स किए हैं, क्या वो सक्सेसफुल अपने पेशेंट्स के रेफरेंस दे, ताकि आप उनसे बात कर सकें, उनका फीडबैक ले सकें कि वो उनका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डेंटल क्लिनिक या इम्प्लांट सर्जन के साथ कैसा रहा। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है टीम, कि जिस क्लिनिक को या डेंटिस्ट को आप चुन चुन रहे हैं उनकी जो टीम है, क्या उसमें प्रोस्टोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ओरल सर्जन या उनकी जो बेहतर लैब सपोर्ट, क्योंकि लैब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि क्या उनकी पूरी इम्प्लांट टीम बड़ी इक्विप्ड है, स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस है कि नहीं है। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है कि क्या जो आपके इम्प्लांट क्लिनिक है या जो इम्प्लांट सर्जन है वो आपको एजुकेट कर रहे हैं, वो आपको काउंसिल कर रहे हैं, वो आपको सारे एस्पेक्ट्स बता पा रहे हैं कि क्या इम्प्लांट्स होने चाहिए, कौन कौन से इम्प्लांट्स होने चाहिए, कौन से ग्राफ्टिंग मटेरियल्स हैं, क्या वो प्रॉपर आपको एजुकेट कर रहे हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हमारे इंडियन डेंटिस्ट्री के सिनेरियो में मिसिंग है, कि डेंटिस्ट ना तो पूछते हैं, बताते हैं, और ना पेशेंट इंक्वायर करते हैं कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। छठा जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है अपने इम्प्लांट सर्जन को चुनने के लिए, कि वो जो इम्प्लांट सर्जन है वो कौन कौन से सिस्टम्स को यूज़ कर रहा है, कौन कौन से इम्प्लांट कंपनीज के इम्प्लांट को यूज़ कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्डाइज कंपनीज को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। जो सातवां एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्या उस इम्प्लांट सर्जन की जो आप जिसे चुन रहे हैं, क्या उनके पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या उनके पास एक सेपरेट डेडिकेटेड इम्प्लांट चैम्बर, इम्प्लांट ओटी है जहाँ पे आपको अंडर वन चैम्बर सब सुविधाएं मिले। जैसे आपके पास पीजो सर्जरी जो कि इम्प्लांट सर्जरी के रिजल्ट्स में बहुत प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देती है, क्या उनके पास पीजो सर्जरी यूनिट है, क्या उनके पास PRF जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके इम्प्लांट के सक्सेस रेट को कई गुना बढ़ा देती है, क्या उनके पास वो ग्राफ्टिंग मटेरियल्स हैं जो आपके इम्प्लांट के रिजल्ट्स को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कर देते हैं, क्या वो सब ये सब चीज़ें यूज़ कर रही है। नौवां पॉइंट ये है कि क्या जो डेंटिस्ट जिसको आप चुन रहे हैं अपने इम्प्लांट करवाने के लिए या डेंटल क्लिनिक जिसको आप चुन रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या वो डेंटिस्ट का जो क्लिनिक है वो क्या एक्रेडिटेड है, क्या वो NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक्रेडिटेड है, क्या उनके हॉस्पिटल्स को डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ उनका टाई अप है, कि कैसे उनकी जो क्लिनिक है वो डिफरेंट एसोसिएशन और कॉन्फ्रेंसिस को अटेंड करती है, क्या उनके जो इम्प्लांट सर्जन हैं उसकी अपनी किन किन एसोसिएशंस के साथ उनके फेलोशिप लिया हुआ है, डिप्लोमेट लिया हुआ है, या उनके साथ उनके क्या कलेब्रेशंस हैं, ताकि जो एक्सचेंज प्रोग्राम में जो वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है फ्रेंड, जो आपको अपना इम्प्लांट करवाने से पहले चुनना देखना चाहिए कि क्या आपके डेंटिस्ट या आपका डेंटल क्लिनिक इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ताकि आपके जो इम्प्लांट हैं उसके रिजल्ट ज़्यादा प्रेडिक्टेबल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनको डेंटल इम्प्लांट्स की नीड है, तो उन लोगों से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि उन्हें अपने किस इम्प्लांट सर्जन को चुनना है, किस डेंटल क्लिनिक को चुनना है, ताकि उनके इम्प्लांट थेरेपी जो है वो भी उतने प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स के साथ सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू।